हाई एवरी वन वेलकम टू अड्डा स्कूल आप सभी लोगों का अड्डा स्कूल पर बहुत 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 सारा वेलकम है सो इन टूडेज आई विल बी कवरिंग अपम ऑफ युक एंड द नेम ऑफ द पोम इज़ आ फोटोग्राफ राइट ये बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटिफुल पोम है क्योंकि uh, इससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कैसे कनेक्ट कर पाओगे वो मैं आप लोग को बताती हूँ सी आपको है ना ईच एंड एवरी चाइल्ड इज हिज और हर मदर है ना हर एक बच्चा अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा अटैच होता है है ना और अगर मम्मी हमसे थोड़ा सा दूर चली जाती है तो फिर हमको मन करता है कि काश वो हमारे पास आ जाए ठीक है और उनके बारे में सोच करके हमको रोना आता है जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ सो दे वॉज अ रीज़न फॉर सम रीजन आई वॉज नॉट विद माई मदर आई वॉज अवे फ्रॉम हर फॉर फोर मंथ्स तो आई यूज टू सी हर वीडियोज मैं उनकी वीडियो देखती थी ठीक है जैसे शादी की कैसेट्स वगैरह होती हैं ना तो शादी की कैसेट्स वगैरह चलती थी तो मैं उनकी वीडियो देखती थी तो मुझे देख करके रोना आता था क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव थे तो वो रिलेटिव जो थे उनसे मैं कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि मैं बहुत शांत रहती थी तो मैं उनको बोलती थी मुझे चेस्ट पेन हो रहा है इस वजह से मैं रो रही हूँ मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि मुझे मम्मा की याद आ रही है लेकिन अल्टीमेटली मुझे मम्मा की याद ही आ रही होती थी राइट तो यहाँ पर आपको जो जो पोएट है राइट फोटोग्राफ पोम की इनका नाम है शोली, तो शोली एक फोटोग्राफ को देख रही है है और और उस फोटोग्राफ में उनकी मदर है, और उनकी मदर मदर अपनी दो कजिन्स के साथ है और उस पिक्चर को लिया है उनके एक अंकल ने और उस पिक्चर में वो काफी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है और कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़ा हुआ है राइट और ये पिक्चर उनको बहुत ही फनी लगती है किनको पोएट को नहीं

मैंने आ, उठा लिया है केक मतलब मेरा बड़ा भाई केक उठाने जा रहा है मैंने केक उठा लिया है और जो मेरा वाला छोटा वाला भाई है वो केक उठा करके खा चुका है राइट तो ऐसी गल, ऐसी पिक्चर है उसमें तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है बहुत ही फनी लगती है मुझे तो मैं हाँ हा हाँ करके हंसने लगती हूँ या so बड़ा ही फनी लगता है कि किस तरीके से हम लोग तैयार हुए थे, किस तरीके से राइट तो वो उसको देख करके जोर जोर हंसती हैं क्योंकि उनको पास की मेमोरी याद आती है और वो बहुत खुश हो जाती हैं उस बात पर कि कितना फनी था वो टाइम जब हम लोग सब लोग साथ हुआ करते थे और कितना मजा आता था, था तो उनके चेहरे पे जो स्माइल है वो बहुत ही एनर्जेटिक है बहुत ही है एक्साइटिंग uh, वाली मतलब एक एक्साइटमेंट वाली है तो उसको देख करके वो इतना खुश हो रही है ना तो पोइट कहती है मेरी मम्मा की स्माइल उस टाइम इतनी प्यारी लग रही है इतनी प्यारी लग रही है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती बहुत प्यारी राइट right? लेकिन मेरी म, जो मदर है पोइट कहती है मेरी जो मदर है उनके लिए दिस इज पास्ट इवेंट एंड फॉर मी पास्ट इवेंट इज दाई मदर इज नो मोर

जैसे मेरी मम्मी खुश हो जाया करती थी उनके चेहरे पे हंस दिया जाती है कि क्योंकि मेरी मम्मी खुश थी तो मुझे खुशी होती है कि मम्मी इस पिक्चर को देख के खुश होती थी राइट right? तो इस तरीके से पोएट ने एक एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर से कनेक्ट करते हुए एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर जो रियल पिक्चर है उससे कनेक्ट करते हुए दिखाया है और उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि मेरी मदर का पास्ट क्या था और मेरा पास्ट क्या है और कैसे उनके लिए वो पास स्माइल था और मेरे लिए ये पास स्माइल है कि वो कैसे इस पिक्चर को देख करके हंसा करती है तो बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने इस पोयम की जितने भी वर्डिंग्स हैं उनको एक कैसे बोल सकते हो आप एक माला में पिरोया है और बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ की स्माइल कितनी प्रशिश होती है

uh, i will be uh, explaining you the hard words which will come in between and not even this i will tell you all the poetic devices which are related to this also right so fir se main ek baar choti si summary de deti hu iski aap logo ko ki ye jo photograph poem hai this is written by sholi tulsin और इस पोम में वो क्या कर रही है अपनी मदर को recall कर रही है उनकी memories को recall कर रही है ठीक है और क्या करके recall कर रही है एक picture को देखते हुए

आज उनको मरे हुए भी उतने साल हो गए हैं समझ गए इतना क्लियर हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो बिल्कुल और उन्हें यहाँ पे ये भी बताया गया कि शी 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 इज इज रियली रियली वेरी साइलें। वेरी साइलेंट इन ग्रीफ व्हेन लुक एट दिस पिक्चर क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ है उनकी के ना होने का राइट सो so, अब हम लोग इस ब्यूटीफुल सी पोम को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपको बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप यहां पर देख लें ये पूरा मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे उनकी आ, जो जो हमारी शोली टूल्सन है राइट right? वो क्या कर रही हैं अपनी मदर को याद कर रही हैं उनकी मेमरीज को याद कर रही हैं और वो किसको देख रही हैं चाइल्डहुड फोटोग्राफ को देख रही हैं और उस समय उनकी मम्मी कितने साल की थी बारह साल की थी ठीक है या हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा रही हूँ लेकिन उनको मरे हुए भी आज उतने ही साल हो गए हैं तो दिस इज द टाइम ऑफ हर डेथ ऑल्सो दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ ओवरऑल द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी

ओके okay? तो ये कार्डबोर्ड क्या है दिस इज द फोटोग्राफ शोज़ मी हाउ इट जब मैं इस पिक्चर को देखती हूँ जब मैं इस दफ्ती के टुकड़े को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कैसा था वो क्या था वो टू गर्ल कजन पैडलिंग जब दो लड़कियां दो लड़कियां दो कजन जा रही हैं चलती हुई ठीक है पैडलिंग का मतलब क्या होता है वॉकिंग पैरों से चलती हुई ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड और दो छोटी छोटी सी कजिन मेरी मम्मी का हाथ पकड़े हुई और पैदल चलती चलती मैयो मैयो आगे बढ़ रही हैं, And she, the big girl, some twelve years or so. और ये जो बड़ी वाली लड़की है ना वो कितने साल की है वो कुछ बारह साल की होगी राइट right? सो so, इस पूरी पोम में जो पोएट है उन्होंने रेफरेंस क्या दिया

कैसी दिखती होंगी मेरी मम्मा कैसी लगती होंगी मेरी मामा कितनी स्वीट होंगी मेरी मामा कभी देखा आप लोगों ने अपनी मम्मा का यंग फोटो देखा है <coughs> सोचते हो ना मम्मा बचपन में पैसे लगते थे oh यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बता रही है कि किस तरह का उनका जेस्टर था जो लड़कियां थी उनका जेस्टर कैसा था तीनों की तीनों बोलते नहीं है? चीज से स्माइल और फिर आप आप फोटो लेते हो राइट सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल तीनों की तीनों एकदम खड़ी नहीं है फोटो में पिक्चर कैसी आती है हम भले ही चल रहे हो लेकिन अगर कोई फोटो लेता है तो फोटो रुक जाती है वहीं क्लिक एंड दिस इज जस्ट स्टॉप सो ये आपको रुकी हुई दिख रही है तीनों की तीनों लड़कियां है।, है ना और उनके चेहरे पर क्या है स्माइल है

और अपने बालों को जो इन इनके जो बाल हैं वो ऐसे खुले हुए हैं गीले गीले बाल उसी में ही ये स्माइल करती हुई दिख रही है और ये किसकी तरफ देख रही है अंकल की तरफ क्योंकि अंकल क्या बोल रहे हैं चीज और अंकल ने फोटो खींच ली ओह अ स्वीट फेस एक प्यारा सा चेहरा माय मदर्स मेरी मम्मी का कितनी प्यारी लग रही है ना वो स्माइलिंग टेबल

ये समुद्र तो वैसा ही है इसमें कुछ भी नहीं बदला आज भी अगर आप उसी बीच पे जाओगे उसी समुद्र पे जाओगे आपको वो एज इट इज दिखाई देगा एज इट इज वॉश फीट अब का मतलब क्या होता है शॉर्ट टर्म अब कभी भी याद रखना बेटा जब आप सी साइड जाते हो ना तो वहां पर रेत होती है और जब आप रेत पर अपने पैर रखते हो तो पैरों के निशान बन जाते हैं लेकिन फिर एक लहर आती है और वो उनके कदमों के निशान को मिटा देती है फिर एक लहर आती है फिर वो उनके कदमों के निशान को मिटा देती है सो so, यहाँ पर ऑथर थोड़ा सा दुख प्रकट करते हुए बोल रही है कि आज अभी अर्थ में कुछ भी चेंज नहीं होता अर्थ ने वो चेंज बट ह्यूमन बींग चला जाता है वो बच्चा होता है फिर बड़ा होता है फिर बुढ़ाप बुढ़ापे भी जाता है फिर वो मर जाता है सो so, ऑथर की मदर के साथ क्या हुआ है वो कह रही है समुद्र अभी भी वही है सेम है लेकिन वहां पर जो पैर बने हुए थे शॉर्ट के लिए वो क्या हो गया? हो गए? वॉश और टेरेबल क्यों बोला है उनके ट्रांसिन फीड को क्योंकि जिस तरीके से वो बने थे वो कैसे भी चल रहे होंगे इट्स नॉट मेंशन उनका चलने का स्टाइल क्या था मोमेंट का स्टाइल क्या था अब रेत पर कैसे भी पैर पड़ता है और कैसे भी निशान बन जाता है राइट तो ऑथर बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर रही हैं वो सोच रही हैं कि किस तरह की सिचुएशन रही होगी जब इस पिक्चर को खींचा गया होगा और जब इस पिक्चर को खींचा गया होगा तो उनकी मदर उनकी टू सिस्टर्स क्या कर रही होंगी वो कैसे स्माइल कर रही होंगी कैसे अंकल ने फोटो खींचा होगा और फिर वो कनेक्ट करते हुए बोलती हैं कि हां सब कुछ बदल गया मेरा लेकिन सी आज भी वैसा का वैसा ही है राइट नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर दिस पार्ट

देखो बेटी और डोली को कितनी क्यूट लग रही है क्या पहना हुआ है उन्होंने अब वो उसको देखकर के स्माइल करती थी मेरी मम्मी के लिए ये पिक्चर एक पास्ट था और मेरे मेरे लिए उस पिक्चर को देख करके हंसना वो पास्ट था दैट वाज माय पास्ट तो यार यहां पे क्या लिखा हुआ है द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट माइन इज हर समुद्र में वो छुट्टी मनाने के लिए गए थे वो उनके लिए

Rye with the दिबर्ट of ease of लॉस दोनों के दोनों उलझे हुए हैं बंधे हुए हैं रैप्ड हैं. राइट किस चीज में रैप्ड है वो पास्ट के बंधन में दोनों ही डिसअपॉइंटेड है ना खुश है यहाँ पे राय का मतलब है disappointed. ओ क्यों चला गया मेरा पास्ट काश मेरा कल वापस आ जाता so, both are disappointed. विद लेबर इज ऑफ लॉस जो जो खोया है अपनी जिंदगी में मदर ने क्या खो दिया बेटी और डॉली के साथ जो बचपना था वो और ऑथर पोइट ने क्या खो दिया है पोइट ने खो दिया है अपनी मदर को तो दोनों क्या कर रही हैं दोनों डिस हैं नाखुश हैं निराश हैं क्योंकि उन्हें दुख हो रहा है कि क्यों चला गया वो पास्ट मम्मी सोच रही है कि क्यों मैं बेटी और डॉली के साथ वापस नहीं हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी की स्माइल वा, वह वापस क्यों नहीं देख पा रही नाउ शी इज शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड वो कह रही है ये जो पिक्चर में ये लड़की आपको दिखाई दे रही है ना जो कि करीब कितने साल की थी बारह साल की राइट right? तो मेरी मम्मा है ना मम्मा उनको मरे हुए आज उतने साल हो गए हैं जितने साल की ये लड़की इस पिक्चर में है और ये लड़की कौन है उनकी मदर सो so, बारह साल की ये लड़की है और बारह साल उनकी मदर को मरे हुए हो चुके हैं। जो है है। उनको बहुत दुख है. और अब और इस पे जब मैं अपनी मदर की पिक्चर को देखती हूँ मुझे उनकी स्माइल याद आती है और मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं होते कि मैं क्या बोलू स्पीचलेस so,

साइलेंस, शांति और शांति चुप और चुप नो स्टेटमेंट नो स्टेटमेंट तो साइलेंसेस का मतलब क्या है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेरा गला इतना भर आता है कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते कि मैं कुछ बोल पाऊं अपने मदर राइट अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो आप लोग सभी लोग कि इस दस मच पैलबल टू एवरीवन यही पूरी पुआम है तो पूरी पोम में आपको औथक कनेक्ट करती हुई दिख रही हैं वो बता रही हैं कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है और आज जब की वो लिखने के लिए कुछ बैठी हैं अपनी मदर के ऊपर तो उनके पास शब्द नहीं है लेकिन वो एक पिक्चर को देखते देखते कुछ सोच रही हैं और उन्होंने वही शब्द कहां डाल दिए हैं इस पोम में डाल दिए एक तो तरीके से उन्होंने अपनी कहानी सुना दी और कहानी सुनाते सुनाते तो उन्होंने आखिरी में क्या कह दिया मेरे पास शब्द राइट समझ में आ गया बेटा सभी लोगों मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इतना क्लियर हो गया एवरीबॉडी बेटा ऑल्टरनेट डिज चलती है क्लास मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से शलायास क्वेश्चन लेक्र्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसो डोंट वरी तो अभी आप लोग को ये क्लियर हो गया हो तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे बता सकते हो आप लोग जो ऑथर की मदर है या राइट जो पोइट की मदर है ठीक है उनकी कजिन्स का नाम क्या है उनके दो कजिन है उनका नाम क्या है ये बता दो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में पोएट की मदर है नेम द कजन ऑफ पोएट मदर वेरी गुड बेटी एंड डॉली। अच्छा आप मुझे ये बताओ ऑथर की मदर को uh, मरे हुए यानी कि वट वॉज द टाइम ऑफ ऑथर्स मदर अभी मरे हुए उनको कितने साल हो चुके हैं की मदर को मरे हुए कितने साल हो चुके हैं हाउ लॉन्ग ऑथर्स मदर इज नो मोर वेरी गुड हसन ट्वेल्व ईयर वेरी गुड इज ऑल्गि अच्छा मुझे पिक्चर ऑफ बेटी डॉली एंड पोएट्स मदर कौन पिक्चर ले रहा था पोएट की मदर की ठीक है और बेटी और डॉली की हु टेकिंग द पिक्चर who was taking the pictures of uncle very good and what was the gesture of betty and dolly and her mother on the reaction kya reaction chaos picture are they walking or stand still right were they smiling or they were doing anger or uh, what about their hairs they're smiling with hairs or without hairs they are with hairs or without hairs क्ट आंसर कौन सी मैम को पूछ रहे हो आप बेटा रुबीना मैम शी लेफ्ट ओके शी इज नॉट विद सेवन या दे बोथ नहीं दे थ्री वो स्माइलिंग they were standing still and uh, they are really very happy and they are looking happy with their hearers they have hearers also right hello who's the writer of this uh, poem or who's the poet of this poem is poet uh, is poem po poet मदर्स डे पढ़ा दूंगी बेटा टेंशन मत लो वेल 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 शोले टूल्स वेरी गुड शोले टूल्स अच्छा अभी मुझे ये बताओ ऑथर की मदर के लिए पास्ट क्या था और ऑथर के लिए पास्ट क्या है पोएट की मदर के लिए पास्ट क्या था और पोएट के लिए पास्ट क्या है व्हाट इज द पास्ट फॉर पोएट एंड पोएट्स मदर शोले टूल्स इज द करेक्ट आंसर What is the past for poet and poet's mother? For poet's mother, the past was nothing else but.

बताइए हर मदर इज नो मोर वेरी गुड अच्छा एट लास्ट जस्ट लेट मी नो डज शी हैव वर्ड्स नाउ टू से अबाउट हर मदर क्या अब शोली टुल्सन के पास अपनी मम्मा के आ, के बारे में कुछ कहने के लिए शब्द हैं येस और नो वेरी गुड यहां पर देखो एनी लवर परवेश शिवानी दे आर आंसरिंग वेरी वेल नोट ग्रेट ग्रेट गाइज ग्रेट नो वेरी गुड सो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छा हाउ मेनी गर्ल्स वर्ड दे आर इन दिक्चर उस फोटोग्राफ में कितनी गर्ल्स हैं आप मुझे ये लास्ट क्वेश्चन और बता दो एंड हु इज़ द एल्डर वन सबसे बड़ा कौन है या शी हैज़ नथिंग टू से वेरी गुड ओके एनी लवर इज प्राची नाइस टू मीट यू प्राची थ्री गर्ल्स ओके तो दिस वॉज लास्ट बट जाते जाते मैं आप लोगों को यहाँ पर आपकी फिगर ऑफ स्पीच जरूर बताती जाऊंगी जो कि पोएटिक डिवाइस हैं उनको आपको अच्छे से देखना है सबसे पहले आप देखो आपकी जो क्या नाम है आपका जो पोम है उसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जो कि आपको बता रहे हैं अलिट्रेशन अलिट्रेशन क्या होता है उसको बता रहे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ऑल टोटल हमारे पास कितने एल्फोबेट होते हैं हाउ मेनी एल्फोबेट ऑल टोटल इन इंग्लिश या एल्डो वन मदर वेरी गुड हर मदर बारह साल की है जो मुझे बता सकते हो कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल इंग्लिश में एबीसीडी पढ़ाया ना टोटल कितने होते हैं बताओ जल्दी से ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब इनमें भी दो पार्ट्स का डिवीज़न कर दिया गया एक होते हैं वोवल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट कितने वॉवल्स होते हैं? वॉवल्स कितने होते हैं हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर और हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर कितने वॉवल्स होते हैं फाइव और कितने कॉन्सोनेंट्स होते ट्वेंटी वन राइट सो so, अलिट्रेशन में हम वॉवल्स की बात नहीं करते अलिट्रेशन में हम किसकी बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की ठीक है अलिट्रेशन में हम किसकी बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की फाइव वॉवल्स कौन-कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताना ए ई आई ओ और यू इनको छोड़ करके बी सी डी एंड सो ऑन ये सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा शब्द ऐसे दिखाई दें, दो या दो से ज्यादा शब्द आपको ऐसे दिखाई दें, जिनका पहला लेटर द फर्स्ट लेटर ठीक है कॉन्सोनेंट हो ठीक है जो यहां पे आ रहा हो वही सेम कॉन्सोनेंट यहां पे भी आएगा वही यहां पे भी आएगा वही यहां पे भी आएगा वही यहां पे भी आएगा इफ यू आर यू आर और मोर देन टू वर्ड्स जिनका पहला लेटर आप क्या बोलोगे दैट इट इज नई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरी बडी गाइस मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो यहां तक क्लियर हो गया हेलो हाँ क्या हुआ अगर हाँ। बन जाएगा तो ले लूंगी फिर कल का ही लगा दिएगा तो एलिट्रेशन क्या होता है एलिट्रेशन इज नथिंग एल्स बट द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स टू और मोर वर्ड्स राइट तो अब जैसे अब यहां पर देखो यहां पर एक आपकी फॉर्म में वर्ड आया था स्टूड स्टिल जहा पे तीन लड़कियों को एकदम टूट स्टिल दिखाया गया था खड़ी है लेकिन स्टिल खड़ी हुई है रुकी हुई तो यहाँ पे किसका रिपिटिशन हो रहा है एस का और एस क्या है एक कॉन्सोनेंट है सो so, आप देखो दो वर्ड यहाँ पर आपको दिए गए हैं और दोनों में जो पहला लेटर है वो क्या है एस सिमिलरली थ्रू देर इनमें भी दो वर्ड्स हैं और दोनों का पहला लेटर क्या है टी जो कि एक कॉन्सोनेंट है माई मदर भी दो वर्ड्स है और उनका पहला लेटर भी क्या है एक कॉन्सोनेंट है इनका इनका भी 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 जो जो पहला पहला है है. है है है. वो वो एक क्या है? टी है. So, I hope आपको एलिट्रेशन समझ में आ गया होगा एलिट्रेशन में हम कॉन्सोनेंट लेटर का रेपिटेशन देखते हैं वर्ड की स्टार्टिंग में बताओ इतना क्लियर है सभी लोगों को

ठीक है स्माइल एंड क्राई लाफ एंड क्राई ऐसे बोल सकते हो स्वीट पेन है ना तो दो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है लेबर्ड और ईज लेबर्ड का मतलब होता है मेहनत करना और ईज का मतलब होता है आराम करना ठीक है अब आपको बताया गया है दोनों ही मदर और जो पोएट है वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड और वो दोनों ही मेहनत कर रही हैं कोशिश कर रही हैं कि वो सुकून में आ जाए सो so, मेहनत और सुकून आपको एक साथ नहीं मिलता राइट right? आपको दोनों अलग अलग वर्ड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो आप इनको बोल सकते हो कि ये ऑक्सीमोरॉन है सो अ टर्म विच कॉन्ट्रोडिक्स इट अ वर्ड विच कॉन्ट्रोडिक्स इट ये भी क्लियर हो गया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो और मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रही हूं आप मुझे बताना कि वहां पर पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है और कहाँ पर आपका यूज हुआ है ऑक्जीमरॉन मैंने पहले लिखा क्लटर्ड क्लटर्ड मतलब बिखरी बिखरी क्लोजेट यानी कि अलमारी ठीक और फिर मैंने लिख दिया फॉल्सली ट्रू अब बताओ इन दोनों में से ये फर्स्ट है ये सेकंड है किसमें आपका एलेट्रेशन यूज हुआ है और किसमें आपका ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है, जल्दी से बताओ क्लेवर फूल क्लेवरली फूल बिटर स्वीट वेरी गुड हेलो ऋषभ ओके काजल फर्स्ट वाले में क्या यूज हुआ है जल्दी से बताओ वेरी गुड फर्स्ट वाले में ऑक्सीमोरोट वर्ड्स है और सेकेंड वाले में क्या यूज हुआ है क्लटर्ड क्लोसेस बिखरी तिखरी आपकी अलमारी तो सो so, सो so, ये कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन हो रहा है सी लेटर का तो दिस इज एलिटरेशन यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को। वेरी गुड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट वाले वर्ड पर जाएंगे जिसमें हमें दिया गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट उसको हम पढ़ लेते हैं पहले मुझे बता दिए कमेंट सेक्शन में इज दिस मच क्लियर एंड पैल्पेबल टू एवरीबॉडी अगर आपको कोई चीज समझ में आ जाएगा तो आप उसे पैल्पेबल बोला करो ओके okay? देखो Last दिया गया है आपको ट्रांसफोर्ड एपिथेट क्या बोल रहे हो ट्रांसफोर्ड ट्रांसफोर्ड एपिथेट क्या होता है उसको समझना पहले तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है ऐसे एडजेक्टिव आ रहा है और ऐसे नाउन आ रहा है 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 ना तो ये जो होता है, इस नाउन को क्वालिफाई कौन करता है एडजेक्टिव करता है अगर ये एडजेक्टिव इस नाउन को ना एक्सप्लेन करके किसी और नाउन के बारे में बात कर रहा हूं किसी थर्ड नाउन के बारे में बात कर रहा हूं या किसी सेकंड नाउन के बारे में बात कर रहा हूं तो आप इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हो कि लिख दिया गया है ये वाला नाउन लेकिन ये इस नाउन को क्वालीफाई ना करके किसी दूसरे नाउन को क्वालीफाई कर रहा है जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट स्वीट ठीक है तो ये जो लिखा हुआ है ट्रेरिबली ट्रांजियंट ये आपका है ट्रांसफर्ड एपिथेट एडजेक्टिव है ये ट्रांसियंट और ये फीड किसके शॉर्ट टर्म फीड नहीं हो सकते शॉर्ट टर्म लोग हो सकते हैं कि वो बहुत कम समय के लिए पैर कम समय तक नहीं रहता पूरा पूरा इंसान कम समय तक के लिए रहता है तो यहां पर ये जो ट्रांजियंट फीड के बारे में बात हो रही है इस फीड का रेफरेंस किससे लिया गया है स्पीड का रेफरेंस लिया गया है मदर और उनकी दो कजिन से राइट right? तो ये जो वर्ड है ये 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 जो जो एडजेक्टिव है 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 या एडवर्ब क्या कर कर रहा रहा फीट को ना एक्सप्लेन करके ये किस नाउन के बारे में बात मदर और कजिन के बारे में समझ में आ रहा है ना सो so, इसी को ही आप बोलोगे ट्रांसफर्ड एपिथेट वे वी नेवर टॉक अबाउट द नाउन जो कि एक्चुअली में लिखा गया होता है हम पैरों को नहीं बोल सकते कि पैर शॉर्ट टर्म है हम इंसान को बोलते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए इस दुनिया में आए

आराम से जाकर के अड्डा की ऐप पर अपना बैच परचेज कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सिंक्रोनाइज वे में पढ़ना है तो अड्डा की ऐप को डाउनलोड करिएगा स्टोर पे जाइएगा वहां पे आपको आपका कोर्स और आपका सिलेबस मिल जाएगा जाते जाते एक होमवर्क जरूर दे करके जाऊंगी आज का और वो होमवर्क है The poet is unable to speak anything in last या एट लास्ट भी बोल सकते हो तो आपको बताना है क्यों ऑथर लास्ट में कुछ बोल नहीं पा रही है वॉट इज द रीजन राइट मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही आंसर करके दे अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग आंसर करेंगे ना सभी लोग जल्दी से बताइए आफ्टर दीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे हसन मैंने बताया तो ना आपको हाइपर बोले बेटा एग्जाजरेशन को बोलते हो जब चीजें बढ़ा चढ़ा करके बोली जाती हैं। ठीक है बताइए करेंगे आंसर स्नपशॉट भी करवाऊंगी परेशान मत हो मदर्स डे आपका जो चैप्टर ना उसी से ही है बोलो इतना क्लियर हो गया आंसर करेंगे चलिए तो विद दिस माई डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द सेशन अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं आप प्लीज वो जरूर से जरूर पूछें ओके बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल